हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आज मेरे व्यूअर्स से या मेरे पेशेंट से एक बात मुझे डिस्कस करनी है जो मेरे पेशेंट्स को देखने को मिल रही है आजकल में, कि कोई हमारा नाम यूज़ करके, डॉक्टर मेघा का नाम यूज़ करके या डॉक्टर हेल्थ का नाम यूज़ करके आपको फेक कॉल्स आ रहे हैं कि आपका लकी ड्रॉ निकलेगा या आप इंश्योरेंस करा सकते हैं, आप पहले पेमेंट कर दीजिए फिर आपको दवाई में कोई लकी ड्रॉ निकलेगा, आपको ऐसे पेमेंट करना है, आपसे प्री पेमेंट कराने की बात अगर हो रही है तो आप उन सारी बातों को नल एंड वॉइड कर दीजिए, नज़रअंदाज कर दीजिए, क्योंकि डॉक्टर हेल्थ ऐसी कोई इंश्योरेंस नहीं दे रहा, डॉक्टर हेल्थ ऐसे कोई लकी ड्रॉज नहीं निकाल रहा, डॉक्टर हेल्थ ऐसे कोई भी गेम्स नहीं खिलवा रहा पेशेंट को जैसे कॉल्स उन्हें रिसीव हो रहे हैं हमारे नाम पे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम सिंपल आपका सोरासिस या विटिलिगो या स्किन प्रॉब्लम का इलाज दे रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अगर आपने दवाइयाँ मंगवाई हैं मेरे डॉक्टर से बात करके, अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी दवाई मंगाई है तो आपको कैश ऑन डिलीवरी ही पेमेंट करना है, और अगर आपने पहले पेमेंट करके दवाइयाँ मंगाई हैं तो वो प्रीपेड दवाइयाँ आपके पास आएंगी। इस दौरान दवाई पहुंचने तक अगर आपको ऐसे कॉल्स आ रहे हैं कि आपको इंश्योरेंस हम दे रहे हैं या फिर आपका लकी ड्रॉ निकल रहा है, आप पहले पेमेंट कर दीजिए फिर हम आपको सरप्राइज गिफ्ट देंगे, तो ये सारी बातें आप नज़रअंदाज करिएगा। ऐसी किसी भी बात में सच्चाई नहीं है, आपको सिर्फ इलाज दिया जा रहा है, ऐसी कोई गेम्स हम नहीं खिलवा रहे हैं, तो आप इस बात पर गौर करिए और ऐसे जो फ्रॉड्स हो रहे हैं बीच में उनसे आप सतर्क रहिए। तो ये मेरा एक ड्यूटी बनता है आपको अवेयर करना, मैं पहले से आपको अवेयर कर रही हूँ। इसी के साथ आज हम पेशेंट से बात करेंगे अपने, जो मेरे पेशेंट हैं धीरज जी, इन्हें सोरासिस है पिछले 6-7 साल से और अब तक इन्होंने 7 साल सोरासिस का ट्रीटमेंट लिया है। तो पेशेंट की जबानी आप खुद सुनिए कि उनका एक्सपीरियंस क्या था और कैसे उन्हें सोरासिस उन्होंने ठीक करा है और अब उन्हें कैसा लग रहा है। तो हम पेशेंट से खुद बात करेंगे। धीरज जी, कितने साल से सोरासिस था? 9-10 साल से, मैंने यहाँ गलत बोल दिया, 7-8 साल से इनको, 9-10 साल से सोरासिस है। और पहले क्या क्या इलाज लिया है आपने? काफी में क्या लिया है? एलोपैथिक स्टीरॉइड्स लिए हैं और काफी इलाज कराया, मगर कहीं रिलीफ नहीं मिला। स्टीरॉइड्स लेते हुए भी कभी बॉडी साफ हुआ? साफ तो यदि फिर हो जाती है। अच्छा, अच्छा, तो उसमें आपको क्या क्या नुकसान देखना पड़ा? नुकसान तो यही था भाई, स्किन आती और जाती, आती और जाती। अच्छा, तो उस दौरान कैसा लगता था? बहुत अजीब लगता था। कैसा अजीब? ये लगता जिंदगी में कुछ होगा ही नहीं। अच्छा, और भाई ये तो अंधेरा हो गया और क्या जिंदगी में कुछ आगे होगा ना, करना ना कुछ। और अब हमारा जो 7 महीना आपने इलाज लिया है, सोरासिस एकदम ठीक हो चुका है, अब कैसा लग रहा है? बेहतर, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में? कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, ऐसी फीलिंग आ गई है तो कर लोगे? अब तो आग लगा देंगे। आग लगा देंगे, ठीक है। पेशेंट्स को कुछ बोलना चाहते हैं जो सोरासिस ग्रस्त हैं और जो जीवन से हार मान चुके हैं, उन्हें लगता है सोरासिस ठीक ही नहीं होगा, हम क्यों जी रहे हैं, हम मर क्यों नहीं जाते, ऐसे पेशेंट्स को कुछ एडवाइस देना चाहोगे? मेरा नाम धीरज कुमार है और मैं स्टेट यूपी डिस्ट्रिक्ट बुलंद से हूँ। जिसको भी सोरासिस की परेशानी हो, मेरा हाथों से निवेदन है, जिसको भी सोरासिस की परेशानी हो एक बार डॉक्टर मेघा से एक बार आके मिले आप। ये तो ठीक है, मुझसे तो मिलेंगे, पर पेशेंट को कुछ एडवाइस दोगे कि आपने कैसे ठीक करा है सोरासिस? कैसे पेशेंट को कुछ एडवाइस दो, परहेज करें या फिर दिमाग से परेशानी ना लें? तो टेंशन ना लें और डाइट फॉलो करें। मेरी पेशेंट से यही गुजारिश है कि जितने भी पेशेंट अपने कॉन्फिडेंस लेवल लूज कर चुके हैं, जीने की इच्छा छोड़ चुके हैं, लाइफ उन्हें बर्डन लगती है, सुसाइड करना चाहते हैं, रोते रहते हैं, बार बार ओवरथिंक करते रहते हैं, तो थोड़ा सा टेक अ चिल पिल, आप थोड़ा सा पेशेंट हो जाइए, काम हो जाइए, सोरासिस हम ठीक कर सकते हैं, बट आपको यहाँ से हमें सपोर्ट करना पड़ेगा और मज़े में रहना पड़ेगा। बाकी आप धीरज जी की कहानी, धीरज जी की जबानी खुद सुनिए। हाय, नमस्कार, मेरा नाम धीरज कुमार, स्टेट उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। मेरे को सोरासिस की बीमारी थी और करीब 10-11 साल से मैं परेशान था। मैंने काफ़ी इलाज कराया, मेरे को कहीं रिलीफ नहीं मिला, यहाँ तक कि मैं सूरत से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी कराया था, वहाँ से भी मेरे को इतना रिलीफ नहीं मिला। यूट्यूब से देखा था मैडम का वीडियो, यूट्यूब से मैडम का वीडियो देख के, और मैं 11 अगस्त को मैडम के पास यहाँ पे आया था मॉडल टाउन पे फर्स्ट बार, और मैं 11 अगस्त से लेके आज यानी कि दो मई तक ट्रीटमेंट अभी तक ले रहा हूँ, और मैं अब तक फिलहाल 80% ठीक हूँ। हेलो, सबसे पहले मैंने एलोपैथिक MBBS डॉक्टर को दिखाया था, या हमारे पास अलीगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर मैंने दिखाया था, उन्होंने मेरे लिए टैबलेट दवा लिख दी थी और उन बोला था कि भविष्य में कभी ठीक नहीं होगा, ठीक तो हो जाएगा फिर आ जाएगा, और बोल लेते कि जेनेटिक यानी कि पीढ़ी दर आने वाली बीमारी होती है ये, कुछ कोई कुछ बोलता था, कुछ
कोई कुछ बोलता था मगर कुछ समझ में नहीं आता था, और इतना ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद कोई फ़ायदा यानी रिलीफ नहीं मिलता था। और फिर कोई भी बताता कुछ ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये नहीं करना वो नहीं करना, मैं बहुत परेशान हो गया था। फिर मैं मैडम के पास आया और मेरे को मैंने डाइट फॉलो किया मैडम का, और जो मेडिसिन थी मेडिसिन का भी डाइट बनाया, और मैं आज ठीक हूँ। 80% तक मेरे को फ़ायदा है। मैंने मैडम के पास से यहाँ ट्रीटमेंट चालू किया तो सबसे दो महीने तक मुझे कोई आराम नहीं मिला, और यानी कि मेरी समस्या जो सोरेसिस की थी वो और ज़्यादा हो रही थी, बढ़ने लगी। मैंने मैडम को बताया और मैडम ने बोला कि 2-4 महीने और दवा खाइए और आपको धीरे धीरे आराम पड़ जाएगा, और आज मेरे को 80% फ़ायदा है। ये मेरे को 13 साल या 14 साल की एज में बीमारी लगा था, और मेरे घर वालों को जब पता लगा था वो काफ़ी परेशान हो गए थे। इसके बावजूद मेरे घर वालों को जब पता चला तो वो काफ़ी हैरान हो गए, और मेरा काफ़ी उन्होंने इलाज कराया। मैंने बोलता था इस डॉक्टर के पास जाना, इस डॉक्टर के पास जाना, वो हर जगह ले जाते थे मेरे को, और मैं बहुत परेशान हो गया। मेरे जाने की जो मेरे सपने थे वो सारे टूट गए धीमे धीमे। फिर कुछ नहीं मिला, मैंने आगे को चल के कुछ नहीं होगा। फिर मैंने एक लाइफ में सोचा मैंने अब ज़िंदगी तो बेकार होगी, शायद सुसाइड करना ही अच्छा रहेगा। तो मैंने ये यूट्यूब से मैडम का देखा, डॉक्टर मेगा का व्यूज, और मैं वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आ गया, और आज मैं ठीक हूँ। अब मेरे को अच्छा लगता है, अब मेरे को कुछ करना है। हाँ जी, जिन लोगों को ये सोरेसिस की समस्या है वो लोग एक बार मैडम से आके मिलें, और यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, बढ़िया ट्रीटमेंट, और जड़ से भी ख़त्म हो जाता है। मगर इसके लिए डाइट फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले सेंधा नमक खाना है, और एल्कोहल नहीं पीना है, स्मोकिंग नहीं करना है, और चिकन वगैरह नहीं खाना है, और लाल मिर्च नहीं खाना है। इसलिए मैं जिसको भी सोरेसिस एक बार मैडम से आके मिलें, ये मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है। सोरासिस अगर आपको ठीक करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर डॉक्टर से कंसल्ट करें और एक सही इलाज पाएं। अपनी इमेजेस भेजिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड टेक केयर।